अस्सलामुअलैकुम। क्रैक द कोड, कोड को फाइंड करना है बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द कोड बट नॉट इम्पॉसिबल। तो कोशिश करें, फाइंड कर लो इसको। और मैंने उर्दू में भी आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, तो कोड फाइंड करके कमेंट्स में अपना आंसर दे दें और आंसर पे एंड में चेक कर लें। तो पहले आप वीडियो को स्टॉप कर लें ताकि आराम से इसको आप कोड को फाइंड कर सकें। तो चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसको किस तरह फाइंड करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। नथिंग इज करेक्ट, कोई भी नंबर दुरुस्त नहीं है। नहीं, इसका मतलब है 5, 7, 8 जहाँ पे भी कोड में होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। 5, 7, 8 ये डिलीट करने के बाद हम कोड नंबर 1 और 2 को देखते हैं। कोड नंबर 1 और 2 में एक नंबर दुरुस्त है, 1 नंबर इज करेक्ट, लेकिन एक के साथ लिखा है अपनी जगह पर नहीं है, दूसरे के साथ लिखा है अपनी जगह पर है, यानी वेल प्लेस्ड और रॉन्ग प्लेस। अब अगर हम सोचे कि हमारा 2 जो है एक नंबर वो दुरुस्त है, तो वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में 7 लिखा है अपनी जगह पे दुरुस्त है और दूसरे में लिखा है अपनी जगह पे दुरुस्त नहीं है। तो चूंकि 2 सेम एट द सेम पोजीशन है, तो ये दोनों एक ही क्वालिटी नहीं हो सकती एक डिजिट में। तो इस तरह इसका मतलब है यहाँ पे 2 तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों कोड से हम 2 को भी हटा देंगे, 2 भी हमारा कोड से हट जाता है। अब हम दूसरे कोड में देखते हैं कि 4 हमारा एक रह गया, तो 4 हमारा कंफर्म हो गया है लेकिन अपनी जगह पे नहीं है, तो इसलिए हम कोड नंबर 3 में आते हैं। कोड नंबर 3 में भी अगर 4 को हम देख लें तो 4 तो हमारा कंफर्म है क्योंकि 3 कोड में 2 डिजिट दुरुस्त है, तो 4 तो हमारा कंफर्म है, लेकिन उसकी भी यानी फर्स्ट पोजीशन पे 4 भी हमारा दुरुस्त नहीं है। फर्स्ट पोजीशन पे भी दुरुस्त नहीं है और सेकंड पोजीशन पे भी दुरुस्त नहीं है, इसका मतलब 4 हमारा थर्ड पोजीशन पे आएगा। इस तरह हमारे कोड का पहला डिजिट कंफर्म हो गया 4 और थर्ड पोजीशन पे। अब हम कोड नंबर 1 पे आते हैं। 1 नंबर इज करेक्ट, 1 नंबर दुरुस्त है पर अपनी जगह पे नहीं है। अब अगर हम सोचते हैं कि 1 को हम सपोज करते हैं कि 1 हमारा दुरुस्त है, तो 1 इसलिए दुरुस्त नहीं है कि थर्ड पोजीशन पे तो हमारा 4 आता है, तो 1 तो दुरुस्त अगर हुआ तो अपनी जगह पे तो नहीं हो सकता, इसलिए 1 भी हम कोड से हटा देंगे। इसी तरह अब हमें ये भी कंफर्म हो गया कोड नंबर 1 में कि 9 जो है ना वो अभी हमारा दुरुस्त है और अपनी जगह पे भी सही है, तो दूसरा डिजिट भी हमें फाइंड हो गया है 9, जो कि सेकंड पोजीशन पे है। इस तरह अब हम कोड नंबर 5 पे आते हैं। कोड नंबर 5 में एक नंबर दुरुस्त है, अपनी जगह पे भी है नहीं है, अपनी जगह पे नहीं है। तो अब अगर हम देख लें कि 9 तो हमारा दुरुस्त है और अपनी जगह पे नहीं है, तो 6 इस कोड में हो ही नहीं सकता, तो 6 भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 6 ख़त्म होने के बाद हम कोड नंबर 3 पे दोबारा आते हैं। कोड नंबर 3 में 2 नंबर दुरुस्त है, तो हमें पता है कि 1 नंबर तो 4 था, अब 6 भी हट गया, तो अब 3 भी हमारा कोड में शामिल हो गया, तो तीसरे नंबर फर्स्ट पोजीशन पे अब हमारा 3 आएगा क्योंकि एक ही पोजीशन हमारी बाकी है। तो इस तरह कोड हमारा बन जाता है फर्स्ट पोजीशन पे 3, फिर 9, फिर 4, 3, 9, 4 एक्यूरेट कोड हमारा क्रैक हो गया और कोड फाइंड हो गया। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स में अपना आंसर भी दें, और अगर कोई सजेशन देना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को ऐसे क्वेश्चन ज़रूर दें, ज़रूर उससे हल कराएं, उसके ताकि उसके जहन तेज़ हो जाए।